हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल keys90.com पे, जहां पर हम रियल स्टेट को अनलॉक करते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर। कई सारी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं और वी ट्राई टू गिव द सॉल्यूशन जिससे आप अपने रियल स्टेट बिजनेस को और बेहतर बना सकें। सो दोस्तों, टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ फाइव हैबिट्स ऑफ अ रियल स्टेट एजेंट। एक रियल स्टेट एजेंट की वो कौन सी पांच आदतें हैं जिनको वो रूटीन में अगर फॉलो करते हैं तो वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। यहां पर मैं उन हैबिट्स की बात नहीं कर रहा जो हमारी रूटीन लाइफ से जुड़ी हुई है, जैसे कि मॉर्निंग में जल्दी उठना, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करना, हेल्दी लंच या डिनर करना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज जनरल हैबिट्स, बट यस आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक हैबिट्स जो एक रियल स्टेट एजेंट अगर अपने अंदर लेकर आते हैं तो वो अपने बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट हैबिट्स, हैबिट्स आर हैबिट्स, वेदर इट इज अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट। जब हम किसी भी काम को रूटीन में करते हैं और वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है, उसको किए बिना हमें अपना दिन पूरा नहीं लगता, दैट इज द हैबिट, राइट। सो इसलिए कहते हैं कि जो बैड हैबिट्स होती है वो बहुत जल्दी हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है और गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करने में हमें सालों लग जाते हैं, बहुत जल्दी हम बोर हो जाते हैं। कोई भी एक अच्छा काम करते हैं, ठीक है, उसको कंसिस्टेंटली रोज करने में हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और उसके बाद हम उसको गिव अप कर देते हैं और उसी की वजह से 99% लोग लाइफ में करियर में फेल हो जाते हैं, राइट। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट फाइव गुड हैबिट्स। वो चॉइस नहीं है, मतलब अगर हमें एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट बनना है, नेक्स्ट लेवल तक जाना है, हमें सक्सेसफुल होना है, तो हमें उन पांच हैबिट्स को अच्छे से अपनी लाइफ के अंदर लाना पड़ेगा। और अगर हम वो ले आते हैं तो आई कैन गारंटी इट कि हमें कोई भी अपने इस सेक्टर के अंदर हमें कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट ये वीडियो आप पूरा देखें, हो सकता है वीडियो देखने के बाद आपको भी कोई नई डायरेक्शंस मिले, आप भी अपने आप को कुछ नई ऊंचाइयों तक लेकर जा पाए। सो अमॉन्ग फाइव गुड हैबिट्स, द फर्स्ट वन इज आवर प्रेजेंटेशन, राइट। हमारी प्रेजेंटेशन कैसी है, रियल स्टेट एज ए सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर कोई ऐसा स्मॉल प्रोडक्ट नहीं है जिसकी वैल्यू के बराबर कोई कस्टमर हमें पैसा दे दे, नो मैटर हम कैसा दिखते हैं, हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा कम्युनिकेट करते हैं। रियल स्टेट सेक्टर के अंदर जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, लीजिंग करते हैं, या फिर कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम काम करते हैं, व्हाटएवर सेक्टर में जहां पर भी हम काम करते हैं, वहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू के साथ साथ हमारी वैल्यू भी ऐड होती है और हमारी वैल्यू ऐड होने के लिए हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। यहां पर हम प्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग जो हम क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं, राइट। हम कैसा दिखते हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या है, हमारा ग्रूमिंग स्टाइल क्या है, हमारा जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल, थ्रू मैसेजेस या फिर थ्रू वीडियोस, जो भी हम क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं वो बहुत प्रोफेशनल वे में होना चाहिए। द थर्ड, जब भी हम किसी क्लाइंट को कोई प्रॉपर्टी शोकेस करते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं, तो उस समय जो हमारी प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो कैसी है, राइट। वो सारी चीजें जब हम क्लाइंट से मिलते हैं और हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लाइंट से इन टच आते हैं और जैसा हम उनके साथ रिएक्ट करते हैं, जैसा हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि हम हमारी लाइफ में रूटीन में अपने प्रेजेंटेशन को कैसे और बेटर बना पाए, राइट। कि अगर हमें लेट नाइट भी कोई फोन आता है तो हमारी स्क्रिप्ट सेम होनी चाहिए, राइट। या फिर हम कभी मिलने जा रहे हैं किसी क्लाइंट से तो हमें पता होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं हम ऐसे उठ के चले गए, राइट। वी शुड बी स्पेसिफिक कि हाँ, अगर मुझे जाना है, अगर मुझे क्लाइंट से मिलना है तो मुझे इस तरीके से ही जाना है, राइट। मुझे उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सो जब हम इस लेवल पे अपने आप को लेकर आ जाएंगे कि जहां पर हम अपनी प्रेजेंटेशन को एक पत्थर की लकीर बना देंगे, नहीं जी मेरी प्रेजेंटेशन यही रहेगी, जब मैं क्लाइंट से कम्युनिकेट करूंगा तो ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही ग्रीट करूंगा, मैं डॉक्यूमेंट इसी स्टाइल में क्लाइंट को भेजूंगा, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, मैं ऐसे ग्रूम रहूंगा। सो जब हम इतना स्पेसिफिक हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम उस भीड़ में से अलग हो जाएंगे जहां पर क्लाइंट ये बोलता है कि यार ये तो दलाल है। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट इज अबाउट आवर डे प्लान। हम अपने दिन को कैसे प्लान करते हैं, ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने दिन को अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। कई बार हम ये गलती करते हैं कि एक ही क्लाइंट के पीछे सुबह से रात तक आप लगे होते हैं और हम अपने बाकी डिपार्टमेंट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार कई दिनों तक ऐसा होता है, फिर जब हम वापस अपने ऑफिस जाते हैं हम बोलते हैं अरे यार ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट मैनेजमेंट। आपको इस चीज के अंदर एक मैनेजमेंट बिठाना पड़ेगा जहां पर आपको, जितना मैं रियल एस्टेट को समझता हूं, आपको नए कस्टमर्स की भी जरूरत है,
आपको जिन कस्टमर्स जो आपके पास आए हैं उनसे फॉलोअप्स करने की भी जरूरत है, उसके बाद उनको कन्वर्जन के टाइम पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट और लीगल पार्ट और उन सारी चीज के लिए भी आपको टाइम डिवोट करने की जरूरत है। उसके बाद आपको अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए, उनसे और रेफरेंसेस लेने के लिए, उनसे इन टच रहने की भी जरूरत है, राइट। सो कई सारे ऐसे दिन के अंदर कई सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें रूटीन बेस में विदाउट एनी फेल रोज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नया कस्टमर चाहिए तो मेरे बैकग्राउंड में एक मार्केटिंग मशीन काम करनी चाहिए जो मुझे नए नए कस्टमर देती रहे, राइट। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन पोर्टल्स पे मैंने एक बार कोई प्रॉपर्टी डाल दी, अब वो पोर्टल अपना काम कर रहा है, मेरे पास लीड्स आती जा रही है, मैंने कोई वीडियो शूट करके डाला या फिर मैंने सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन किया। सो दिस कैंपेनिंग शुड बी डेली ऑन अ रूटीन बेसिस। तो वो एक हमें नए क्लाइंट्स देती है, जब वो क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो उन क्लाइंट्स के साथ हमें क्या करना है, ठीक है, उन्हें हमें कितना टाइम देना है, उन्हें क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें दिखानी है। उसके बाद जो पुराने क्लाइंट्स ऑलरेडी हमारे कन्वर्टेड है उन्हें हमें कितना टाइम देना है या फिर हमें कैसे फॉलोअप करने हैं। सो ये सारा जो मैनेजमेंट होता है, दिन एक ही होता है, 7 से 8 घंटे का टाइम, अब इसको कैसे मैनेज करना है वो डे प्लान आपको एज इंडिविजुअली अपने आप करना पड़ेगा, ठीक है। आई विल मेक अ सपोर्टिंग वीडियो कि आप कैसे एक अच्छा डे प्लान कर सकते हैं और कैसे इस हैबिट को और अच्छे से आप इंप्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आवर थर्ड पॉइंट इज अबाउट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत बड़ा हथियार है, राइट। ये हमारी लाइफ में हमारे बिजनेस को बहुत स्मूथ बनाता है, लेकिन यहां पर हम लोग गलती क्या करते हैं, हमें ये लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है। कई बार नेटवर्किंग को लेकर हमें लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, बट यस इट इज। ये आपको कोई डायरेक्ट इनकम नहीं देता, बट जब आप थोड़ा थोड़ा रोज समय नेटवर्किंग के अंदर निकालते हैं, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, आपका बिजनेस इतना स्मूथ रन करता है कि उसके बाद शायद हो सकता है घर बैठे भी आप अपने शहर में नहीं है लेकिन फिर भी आप शहर में बिजनेस कर पा रहे हैं, आप अपने घर बैठे भी आप बिजनेस कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, आई विल एडवाइस कि चाहे आप अपने डे रूटीन में थोड़ा सा समय, चाहे 30 मिनट, 1 आवर, 10 मिनट, 15 मिनट, व्हाटएवर, जितना टाइम आप नेटवर्किंग के लिए निकाल सकते हैं आप निकालिए, आप लोगों से बात कीजिए, आप लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, नए नए लोगों से मिलिए, ठीक है। फील्ड के और वीडियोस को आप देखिए, फील्ड के और वेबिनार्स आप अटेंड कीजिए, सेमिनार्स अगर कोई आपके शहर में होते हैं तो आप अटेंड कीजिए। आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको खुद को लगेगा कि यस, इट इज अ वेरी स्ट्रांग टूल जो मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मिस कर रहा था। फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट इज अबाउट नॉलेज। ये हम सब लोग जानते हैं कि नॉलेज से, ज्ञान से बड़ा हथियार कोई भी नहीं है, राइट। लेकिन यहां पर रियल स्टेट सेक्टर के अंदर नॉलेज दो तरीके से मिल सकती है। पहला, आप फॉर अ लॉन्ग प्रोसेस, आप लंबे समय तक आप काम कीजिए सेक्टर के अंदर, और आप जिस भी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आप काम करेंगे, आप जब करते जाएंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 years down the line, 10 years down the line, आपका एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आपका उस लेवल पे हो जाएगा कि आपके पास हर चीज का जवाब होगा। और दूसरा तरीका यह है कि आप इतना समय ना व्यर्थ करें, आप नॉलेज अपने डे टू डे रूटीन में नॉलेज का एक पार्ट रखें, और आप ऑनलाइन मेथड्स के थ्रू, वीडियोस के मेथड्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, या फिर आप जो और आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उनके जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आते हैं उनके थ्रू आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखें, राइट। इस कंपटीशन के जमाने में यू कैन नॉट वेट फॉर अ लॉन्गर रन, राइट। आपको बहुत कम समय में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। व्हेन यू गो विद द क्लाइंट तो आप ब्लैंक नहीं हो सकते, आपको क्लाइंट के सामने आप ये नहीं बोल सकते कि जी मुझे ये नहीं पता, या फिर ये प्रॉपर्टी आप देख लो जो है यही है, ऐसा नहीं होता। आज की टाइम में क्लाइंट इज वेरी स्मार्ट, क्लाइंट जज योर नॉलेज, ठीक है। आप क्लाइंट आपसे तब जुड़ेगा जब उसको लगेगा कि यू आर कॉम्पिटेंट उसके साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। वो आपको चूज करता है, ठीक है, वो आपको आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज के बेस पे ही वो आपको चूज करेगा। तो आपका जो नॉलेज है दैट शुड बी वेरी स्ट्रांग, पर्टिकुलरली जिस सेगमेंट में आप काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द फिफ्थ पॉइंट इज योर नेक्स्ट डे प्लान। आपका पहला दिन खत्म होने से पहले पहले आपके अगले दिन का प्लान होना बहुत जरूरी है, राइट। कि वो कौन से सेट ऑफ टास्क हैं जो कल आपको फिनिश करने हैं। आई अंडरस्टैंड रियल स्टेट एजेंट्स के लिए कई सरप्राइजेस आते हैं कि भाई उनको नहीं पता होता कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। हो सकता है कोई नया कस्टमर मेरे पास आ जाए, हो सकता है कोई पुराना कस्टमर उठ के आ जाए अपनी नई प्रॉब्लम को लेकर, या फिर कुछ फ्रेंड्स आ जाए। फ्रेंड्स, एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ अनऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस एंड अ ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। जब हम अनऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। हम लोग कुछ प्लान करते हैं लेकिन
एक क्लाइंट आया जिसके साथ हमने पूरा दिन निकाल दिया और जो प्लानिंग हमने की थी वो वहीं के वहीं रह गई, वो बुक्स में रह गई, वो नोट्स में रह गई, राइट। जब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो जो काम हमने प्लान किया है अपने आज के दिन के लिए, उस दिन वो काम होना चाहिए, राइट। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास भी कई बार होते हैं कोई नए कस्टमर्स आ जाते हैं, बट देर इज अ 5 or 6 कस्टमर्स जो मैं एक दिन पहले ही अपने आप को नोट्स में डाल देता हूँ कि इन लोगों से मुझे कल बात करनी है। तो चाहे मेरा कितना ही नया इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ जाए, मैं उन पुराने क्लाइंट से बात करता ही करता हूँ, वेदर थ्रू व्हाट्सएप या फिर किसी भी कम्युनिकेशन के माध्यम से जो मैंने डिसाइड किया है उन लोगों से मैं बात करता हूँ, राइट। या फिर जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जिनसे जिनको मुझे कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना था वो काम मैं करता हूँ, आइदर डायरेक्टली या फिर मैं अपनी टीम से या फिर किसी और अरेंजमेंट के थ्रू। आप एक चीज को समझिए कि जो चीज आपने अपने डे में प्लान कर ली वो काम होना चाहिए। अगर कोई बहुत ही स्पेशल रीजन है या कोई भी ऐसा काम है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे, बट स्टिल अगर हमने कोई चीज को निर्धारित किया है कि हमें ये काम कल करना है तो वो काम कल करना है, ये आप अपनी हैबिट के अंदर डालिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास अगले दिन का कोई प्लान नहीं है तो समझ लीजिए आप रियल एस्टेट सेक्टर में रहने लायक नहीं है, ठीक है। जब तक आपके पास अगले दिन की टू डू लिस्ट नहीं है ना कि जी मुझे इतने लोगों से मिलना है, इतने क्लाइंट से फॉलो अप करना है, ये नई मार्केटिंग एक्टिविटी करनी है, इस प्रोजेक्ट पे जाना है, ये करना है, वो करना है, जब तक आपके पास वो लिस्ट नहीं है ना एक दिन पहले, तब तक आप समझ लीजिए कि अभी आपको बहुत ज्यादा सीखने समझने की जरूरत है, या फिर आपके बिजनेस में आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी पे या फिर बहुत किस्मत पे काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। मैं क्विकली इसको समराइज करता हूँ, वो 5 चीजें जो आपको अपनी लाइफ के अंदर लेकर आनी है एज अ रूटीन हैबिट, दैट इज फर्स्ट योर प्रेजेंटेशन, द सेकेंड योर डे प्लान, द थर्ड योर नेटवर्किंग, द फोर्थ योर नॉलेज, एंड द फिफ्थ व्हाट इज द नेक्स्ट डे प्लान फॉर यू। सो अगर इन 5 चीजों को आप अपने रूटीन में, अपनी डेली हैबिट्स में अगर आप लेकर आते हैं, सो मेरे हिसाब से यू विल बी अ रॉक स्टार एजेंट इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये चीजें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये क्या पागलपंती हो रही है, ठीक है, इससे क्या रिजल्ट आने वाला है। लेकिन मेरे कहने से आप एटलीस्ट अ क्वार्टर और 6 months तक अपने इस प्रोसेस को रोज फॉलो करें, ठीक है, आपको लगने लग जाएगा कि यस आई एम रनिंग अ एंटरप्राइज, रनिंग अ ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट अ नॉर्मल एजेंट। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम हमारी जो एक छवि है या फिर जो लोग एक मेजॉरिटी एजेंट्स के बारे में जो लोग बात करते हैं वो धीरे धीरे लोगों का माइंडसेट चेंज हो, ठीक है। लोग फिर ये नहीं बोले कि यार ये तो दलाल है, इनका काम है बेवकूफ बनाना, या फिर ठीक है उठ के आ जाते हैं, या फिर ऐसे वैसे, मतलब जब मैं ऐसा सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो मैं चाहता हूँ मेरे सारे भाई इस सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एज अ सेक्टर हम इसको बहुत इम्प्रूव करें, इसको हम और ऑर्गेनाइज बनाएं, ताकि सो फ्रेंड्स इस पूरी जर्नी में हम सब साथ हैं, राइट। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, बिकॉज जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊंगा तो शायद यू विल बी नोटिफाइड कि ऐसे एक नया वीडियो आया है, एंड आई ट्राई टू गिव द बेस्ट नॉलेज, ठीक है, जितना मैं कर सकता हूँ अपने लेवल पे। थैंक यू सो मच।